हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले NCERT SST क्लास 8 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो बुक आपकी स्टार्ट की गई जियोग्राफी की जो बुक है। एक वीडियो हमने कवर किया था इस चैप्टर को लेकर के, प्रीवियस वीडियो जो रहा था इसको लेकर के, जिसमें हमने जाना था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, जिसमें हमने एक स्टोरी के थ्रू मोना राजू और उसकी अम्मा जो घर में कुछ काम कर रहे थे उनके थ्रू जाना था कि जो भी आर्टिकल्स हैं, चाहे वो कपड़े हों, क्लॉथ हों, चाहे यूटेंसिल्स हों, फूड ग्रेन्स हों, कॉम्ब हों, हनी बॉटल हो, इन सभी को हमने जाना था वो कहीं ना कहीं क्या है, उपयोगी है। जो उपयोगी वो क्या है, रिसोर्सेज संसाधन है। ऑप्शन संसद क्या है, संसाधन रिसोर्सेज क्या है, ये भी हमने जाना था। तो आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधनों के प्रकार की बातें करेंगे आज हम, कि भी जो संसाधन होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनकी बातें करेंगे आज अपन। तो उसमें अपन बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले देखें संसाधनों के प्रकार की बातें करें तो बात करते हैं कि रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। कहते हैं कि सामान्यतः जनरली बात करते हैं हम तो जो संसाधनों को क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया, प्राकृतिक, नेचुरल, ह्यूमन मेड मानव निर्मित, एंड ह्यूमन और मानव, ये मानव खुद भी एक संसाधन है, मानव अपने आप में भी एक क्या है, संसाधन है। ऑप्शन सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या बताया गया, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में किन किन को इंक्लूड किया गया है, कहते हैं रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन की यहाँ पर डेफिनेशन बताने की कोशिश की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्राकृतिक जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति नेचर मीन्स जो हमने खुद ने नहीं बनाए, जो हमें गॉड गिफ्टेड हैं, तो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका क्या नहीं हो, जिनका मच मॉडिफिकेशन ना हो, जिनका अधिक संशोधन के बिना ही उनका उपयोग कर लिया जाए, उनको यूज कर लिया जाए, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ जो हमें गॉड गिफ्टेड जो मिलते हैं, हमें जो प्रकृति के द्वारा दिए गए, वही सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमने खुद ने तैयार नहीं किए, वो सारे के साथ, जिसमें जैसे हम एग्जांपल ग्रुप में देख सकते हैं, एयर है जिसको हम सांस लेते हैं, हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी जो रिवर्स हैं, ये जो लेक्स हैं उनका जो वाटर है, ये सब हमने नहीं तैयार किया, ये सब हमें कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सॉइल है, मिनरल्स हैं, मृदा की बात करें, खनिजों की बात करें, या ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन, मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। तो बात वही आई कि जो संसाधन है इनमें से बहुत से, हम क्या बोल सकते हैं, इन संसाधनों में से बहुत सी प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं हमारे लिए और सीधे उपयोग में हम उनको ले सकते हैं। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो जो आगे कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों को भी विस्तृत रूप से देखा जाए ब्रॉडली तो रिन्यूएबल नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय जो संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। जो प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय, जिनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सनलाइट हुई जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जैसे कोल हुआ, कोयला हुआ, जो प्रकृति से तो हमें मिला लेकिन एक बार ख़त्म, इसकी जो स्टोरेज है, जो उसके भंडार है वो लिमिटेड है, जैसे ही इनकी अमाउंट जो लिमिटेड अमाउंट है इनकी, जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद में दोबारा से प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको अनवीकरणीय बोला जाता है। तो इनकी इनको डिफाइन किया गया नीचे, देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको कहा जाता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको कहा जाता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं अपन, सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं। इसमें बताया गया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। देखो वे संसाधन जो शीघ्रता से, जिनको दोबारा से शीघ्रता से नवीकृत कर दिया जाए, दोबारा बना दिया जाए, दोबारा बन सकते हैं अथवा पुनः पूरी हो जाते हैं हमारे लिए, पुनः बन जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसी मीतें हैं, जैसे हम बात करें, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, सोलर है एंड विंड एनर्जी है। सोलर और विंड एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, आज धूप है, ख़त्म होगी, कल फिर आ जाएगी, आज पवन जो विंड एनर्जी है, पवन के द्वारा जो विंड मिल लगाई जाती हैं, पवन कल भी चलेगी, कल फिर आ जाएगी, आज खत्म, तो इनको हम रिन्यूएबल कह सकते हैं, दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है इनको। लेकिन फिर भी कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर है, सोइल है, फॉरेस्ट हैं, इनका हम क्या कर रहे हैं, इनका हम लगातार जो सोइल है, फॉरेस्ट है, अफेक्ट कर रहे हैं इनको, हम इनकी जो स्टॉक है, इनकी जो भंडार हैं, उनको हम लापरवाही से लगातार उपयोग किए जा रहे हैं, इनके भंडार प्रभावित हो रहे हैं, तो दोबारा से दिक्कत हो रही है। आगे नीचे बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, अनवीकरणीय संसाधन की। तो इनमें हम बात करें, इनके उल्टा होगा उसकी, इसकी डेफिनेशन जैसे ऊपर हमने पढ़ा रिन्यूएबल की, इसमें क्या होता है, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित हो, आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिनका लिमिटेड स्टॉक हो, जैसे मैंने कोल बताया आपको, वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। देखो क्या कहता है, भंडार एक बार समाप्त हो गए तो समाप्त होने के बाद में क्या होगा, इनको दोबारा बनना पूरी तरह हज़ारों साल लग जाएंगे, पता नहीं कब कैसे कब जाकर बने,
इसमें क्या होगा जो हम बात करें तो इसके अंदर सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, तो इसमें बात करते हैं यह जो अवधि रहेगी, जो समय रहेगा, इसमें मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। कहीं ना कहीं बात करें हम तो पता नहीं, हो सकते मानव जगत है पूरा वो खत्म हो जाए, कब जाकर के बने कितने हज़ारों साल लग जाए, इसलिए इनको बोला जा रहा है। इस प्रकार से देखो क्या कह सकता है हम यहाँ पर बात करें तो सबसे कंसिडर नॉन रिन्यूएबल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। इस प्रकार से जो संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जिसमें अनवीकरणीय रिन्यूएबल जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कोयला है, कोल है जिसमें मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक नेचुरल गैस है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो एक बार खत्म, इनकी लिमिटेड स्टॉक है, एक बार इनको खत्म होने के बाद इनको दोबारा मिलना नामुमकिन सा है, इस पर इनको क्या कहा गया, नॉन रिलेबल रिसोर्सेज कहा गया, तो दोबारा से नहीं मिल सकते। ओके सर, डिस्ट्रीब्यूशन अब ये तो है, आपको ये थोड़ा ये होगा कि अर्थ के नीचे पता नहीं कितना क्या स्टोरेज है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कभी कुछ ऐसा फेनोमेन हुआ भी होगा तो ये तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी उलट पुलट हुई होगी, वो भी लिमिटेड जो अर्थ थी वो कहीं ना कहीं हुई होगी, तो लिमिटेड अमाउंट भी है इसके नीचे, हर चीज़ तो कोल पेट्रोल या नेचुरल गैस बनी नहीं होगी। तो आगे बात करते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड्स। कहता है जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक जो संसाधन उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। हम अर्थ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। कहता है पृथ्वी पर भी जो कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, विभिन्नता के कारण क्या है, संसाधनों का वितरण क्या है, असमान है, अनइक्वल है। कैसा है, अनइक्वल है। मान लीजिए आपके एरियाज के अंदर चांदी सोना निकलता ही नहीं है, तो कुछ एरिया जहाँ पर सोना गोल्ड नीचे से पृथ्वी के नीचे कहीं नेचुरल गैस निकलती है, आपके एरिया में नहीं निकलती, तो विभिन्नता क्या है पाई जाती है। ग्लोसरी के अंदर देखें आप साइड में स्टॉक ऑफ रिसोर्स, संसाधन का भंडार क्या है, ये बताया गया। इसमें बताया गया इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, भंडार कोई भी चीज़ मात्रा जो होती है स्टॉक कर दी जाए। अब आगे बात आती है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं, मानव निर्मित संसाधन, ये तो अभी हमने बात की नेचुरल रिसोर्सेज की, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए, पवन वायु हमने नहीं बनाई, पानी हमने नहीं बनाया, कोयला हमने नहीं बनाया, पेट्रोल हमने नहीं बनाया, ये सब हमें नेचुरल की तरफ से गिफ्ट मिले, लेकिन मानव ने क्या तैयार किया उनकी बात करें, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं, मानव निर्मित संसाधन की बात करते हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बीकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कई बार क्या होता है, कभी कभार जैसे प्राकृतिक जो पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ है जो हमें मिली है कहीं से, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, यूज की नहीं है, लेकिन उसको हम काम लायक कैसे बना सकें, तो उसके बारे में बोल रहा है। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। देखो क्या कहता है कि लोह जो अयस्क है, आयरन जो ओर है, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक मानव ने, लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीख लिया था, तो कोई काम की चीज़ ही नहीं थी। आयरन ओर से फिर लोहा बनाया गया, तो लोहा क्या बन गया, फिर एक आयरन क्या बन गया, एक रिसोर्सेज बन गया, तो किसने बनाया, मानव ने बनाया, तो इसको क्या बोला जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स बोला जाएगा। इस तरीके से इनको बोला जाता है, इनको मानव निर्मित संसाधन के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इनको कहा जाता है। टेक्नोलॉजी आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अगर बात करें तकनीक की, तो प्रौद्योगिकी या तकनीक भी एक मानव निर्मित संसाधन, हमने जो तकनीक बनाई ये भी एक संसाधन है, किसने बनाई, इंसान ने बनाई, ह्यूमन मेड हो गई। तो इसलिए शो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू। देखो अब क्या कह रहे हैं, मोना ने समझाते राजू को कुछ कहा, देखो ये क्या कह रही है, शो पीपल लाइक यूज अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, हम प्राकृतिक जो संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, जो उससे पहले संसाधन बने नहीं रहे थे, जैसे आयरन ओर से आयरन बनाया गया, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे। तो मोना ये समझा रही है, मोना नोडिंग कर रही है, और राजू ने क्या किया, सेड मोना नोडिंग अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू, और राजू ने शुरू करते में क्या किया, नोडिंग किया, सीधे लाया। ओके आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज थे, और अब बात करेंगे मानव खुद एक संसाधन अपने आप में, उसकी बात करेंगे मानव संसाधन की। तो सिंस बात करते हैं पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। देखो क्या कहते हैं, लोग और अधिक जो संसाधन बनाने के लिए जो प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं, कब, जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो, या हम बोल सकते हैं कि उनके पास कौशल के अलावा प्रौद्योगिकी जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी हो, वो उपलब्ध हो। ऑप्शंस आगे बात करें, देखें आगे बढ़ते हैं मानव संसाधन से। देखो यहाँ पर डू यू नो ह्यूमन रिसोर्सेज बॉक्स के अंदर क्या समझाने की कोशिश की गई है, कि कहता है कि रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर क्वान्टिटी एंड एबिलिटीज़
mental and physical of the people. Through there are differing views regarding treatment of humans as a resource. देखो यहाँ पर आप क्या जानते हैं, इसमें ड्यूनो बॉक्स में बताया था कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और उसकी जो एबिलिटी है, योग्यता, चाहे वो मानसिक हो, मेंटल हो या फिजिकल हो, शारीरिक हो, से है. ठीक है, यद्यपि हम बात करें यहाँ तो मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों के अंदर क्या है, मतभेद है कहीं ना कहीं. इतना होते हुए भी हम ये कह सकते भाई, इस चीज़ से मना नहीं कर सकते, किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य क्या है, अपने आप में उसकी भी कुछ स्किल्स हैं, कुछ कुशलताएँ हैं, फिजिकल मटेरियल एंड वैल्यूबल रिसोर्सेज, इसलिए कि हम कह बोल सकते हैं कि जो भौतिक या मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है, जो मानव के अंदर जो कौशलता है, तो मानव अपने आप में भी क्या हो गए, संसाधन हो गए. यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ कार्टून्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि देखिए, क्रॉप्स रुइन ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन. यहाँ कुछ न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा जा रहा है, सूखे के कारण क्या कहता है, ड्रॉट में सूखे के कारण कहता है फसलों का विनाश हो, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ. तो इधर सामने क्या, दैट इज़ इट, हाँ क्यों नहीं. नीचे बोला भी जा रहा है फिल्म के थ्रू कि इट्स ऑल थैंक्स टू नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन. हम सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है, यह सब भी हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. ये सब किसी ज्ञान है, शिक्षा है, स्किल है, कौशल है, उसके कारण संभव है कि हम इनका समाधान निकाल पाएँ. ऑप्शन आगे बढ़ते देखें आगे क्या कहता है. तो ये बात अब कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य अपने आप में एक स्पेशल रिसोर्स है, एक विशेष संसाधन है. इसलिए ये बातें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होती है कि मानव संसाधन वास्तव में एक बहुत ही कौशलपूर्ण एक बात हुई अपने आप में. अब हम बात करेंगे यहाँ पर संसाधन के कंजर्विंग की, संरक्षण की, रिसोर्सेज के कंजर्विंग की बात करेंगे, संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है उसकी बात करेंगे. ऑप्शन इसमें देखते क्या कहता है कंजर्विंग रिसोर्सेज के अंदर. मोना हैड ए नाइटमेयर, यहाँ पर क्या, मोना जो है, मोना ने एक नाइटमेयर देखा, मतलब नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा सपना देखना, बुरा जो स्वप्न होता है, सपना होता है उसको बोला जाता है नाइटमेयर. मोना ने एक बुरा सपना देखा, उसने देखा क्या, देखा सपने में, जैसे आप कई बार देखते हैं, सी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड डायड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. देखो कितना बुरा सपना था, कितना बुरा नाइटमेयर था. उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं, और वन पर ना तो छाएं. अब जाहिर सी बात है, मोना आगे क्या देख रही है, सब पृथ्वी पर जल सूख गया, पेड़ कट गए, दरवाजे नो सेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, पीपल वर सफरिंग एंड रोविंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सेड. बात क्या, देखो अब सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना छाया, ना कुछ खाने पीने का था, लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में लोग निराश उदास होकर घूम रहे थे. उसने अपनी माँ को बताया, किसने, शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड. उसने अपनी माँ को बताया, पूछा, अम्मां क्या यह सच में हो सकता है. अम्मा ने क्या कहा, यस, हाँ. अम्मा ने उत्तर दिया, If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can be about it? Raju asked. Lots replied, Amma. Mamma ने कहा, बिल्कुल हो सकता है. यदि हम जो renewable resources हैं, जो नवीकरणीय संसाधनों के प्रति हम सतर्क नहीं रहेंगे, तो बहुत ही दुर्लभ हो जाएंगे धीरे धीरे. और जो non-renewable resources हैं, जो अनवीकरणीय संसाधन, वो तो समाप्त हो ही सकते हैं, जाहिर सी बात है. और जो बच्चे हैं, जो प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कभी उनको भी लेकर के हमें बुरा देखने को मिले. राजू ने पूछा, फिर आगे कहा राजू ने, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं. राजू ने पूछा, राजू आस्क लॉर्ड्स, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं. तो अम्मा ने कहा, बहुत कुछ कर सकते हैं लॉर्ड्स, बहुत कुछ कर सकते हैं. अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते. अम्मा बोली कि आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते इसके बारे में. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आप भी समझें कि जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व किया जाना बहुत ज़रूरी है, संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ फ्यूचर के अंदर जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ, उनको देखने के लिए चीज़ें मिलेंगी नहीं. आप न्यूज़पेपर्स के अंदर, या आप विशेष तौर पर बात करें तो टेलीविज़न के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं. तो इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें कि भाई जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, बहुत ही ज़रूरी हैं. जैसे कागज़ जो है आपके लिए लिखने के लिए एक रिसोर्स है, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी रिसोर्स, जैसे ट्रीज को काटा जाता है, इस तरीके से बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके फ्रेंड्स, तो आपको भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, और आपको एक ओथ लेनी पड़ेगी कि आई विल मेक श्योर दैट द वाटर नॉट वेस्टेड एट होम, मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत खर्च ना हो, बेकार ना जाए. ये कौन कह रहा है, शेड आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर प्रीशियस. ये और आगे देखो, इसमें जो मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा ने क्या कहा, आशा ने इसके अलावा जो बातें हुई, आशा ने तो ये बातें कह दी. मुस्तफ़ा क्या कहता है, मुस्तफ़ा ने कहा कि भाई आई विल मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा.
मुस्तफ़ा ने तो बिजली को लेकर कहा, आशा ने कहा कि मैं भी पानी को लेकर, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, क्योंकि पानी की प्रत्येक बूंद बहुत ही क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा, बिजली को बचाना पड़ेगा, जो वेस्ट होती है आप देखते हैं घर के अंदर फैन ऑन है, लाइट ऑन है, जिसकी नीड भी नहीं है, फिर भी हम उनको उनको फोकस नहीं करते। आप इन छोटी छोटी चीज़ों से वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। और आप एक अपने अंदर हैबिट डालिए कि घर के अंदर या आस पड़ोस में कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप किसी को बोले बगैर खुद उसको स्विच ऑफ कर दें, जब जरूरत नहीं है, जब पानी वैसे बह रहा है तो उसको आप बचाएं जितना ज़्यादा हो सके, या गार्डन के अंदर जो आपके प्लांट हैं उनमें डालें, पानी को सेव करें। आपको और हमारी ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं, ताकि हम क्या कर सकें कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इससे क्या होगा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा हमें कहीं ना कहीं, और जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनको, जो क्या हो रहा है धीरे धीरे नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको हमें सेव करना होगा। स्टूडेंट्स आज का चैप्टर जो है ख़त्म होता है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें इतना ही। आप एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप करिए, मैं आपके नीचे जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए कि भी पूछे जा रहे हैं, प्रतिपूर्ण संसाधन ऐसे समान रूप से क्यों वितरित हैं, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधन संरक्षण क्या है, व्हाई द ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं, या व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास क्या है। इस तरीके से आप नीचे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको करना होगा। आपका चैप्टर आज का जो वीडियो है यहीं ख़त्म होता है, अगले टॉपिक के साथ में एक मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो के अंदर, जिसमें आपके नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।